हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैंने इसी चैप्टर के फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कि जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया हुआ है, जैसे हम लोग बायो सावर्स का पढ़े थे, तो हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ था, तो उस बताया था मैंने कि अगर उसके पास में कोई एक चार्ज प्लेस किया था और वो चार्ज अगर हमारा रेस्ट पे पोजीशन मतलब रेस्ट में था, तो उस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, वहाँ पे हमने ये आपको बताया था। फिर हमने दूसरा एक कंडीशन लिया था, उसमें भी हमने एक वायर लिया था, उसमें करंट फ्लो कर रही थी और उसके पास में एक मूविंग चार्ज था, तो उस मूविंग चार्ज पे वहाँ पे फोर्स लग रहा था। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने सिर्फ इतने बताया था कॉन्सेप्ट, और बाकी आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो चार्ज उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में उसके रीजन के आसपास मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, वो जो डिफ्लेक्ट हो रहा है चार्ज, वो कितने फोर्स से डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उस चार्ज के, मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा। सो आज हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखा हमने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, तो इस चार्ज पे रेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। वेयर एज हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में था तो उसमें फोर्स लगता था एफ इज इक्वल टू क्यू ई अमाउंट का, वेयर क्यू इज़ द चार्ज एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो अगर कोई क्यू चार्ज रेस्ट में होता था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तो उस पर फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू लगता था। बट यहाँ पर देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, बट उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वेयर एज अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को अगर हम वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं या फिर वो चार्ज किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वहाँ पर, तो हमने देखा कि वो चार्ज जो है हल्का सा उस पर एक फोर्स लगेगा और वो चार्ज जो है वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से इधर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपका दिखेगा आपको डिफ्लेक्ट होते हुए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो इधर ही आपका डिफ्लेक्ट हो, अभी देखेंगे कि उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है, कितने एंगल पे करता है, क्या कैसे है। सो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर मूविंग स्टेट में है तो ही आपका उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, अदरवाइज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो फोर्स की वैल्यू निकलती है, वो होती है FM, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर। ठीक है, अब जैसे कि ये वायर है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैंने बताया था आपको राइट हैंड थंब रूल से कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, ठीक है, और फिंगर्स को फिर कर्ल करना है उसके अराउंड। जैसे मान लो ये सपोज़ ये पेन है, पेन का जो ये पिन पॉइंट है, मतलब इस तरफ हमारी करंट मूव कर रही है, तो इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इसके राउंड राउंड जो फिंगर्स कर्ल हुई हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इसके अराउंड मतलब कुछ इस तरह से करंट मूव करेगी सर्कुलर में, तो यहाँ से करंट निकलेगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो इस तरफ अंदर जाएगी, इसलिए इस तरफ जो फील्ड होगी वो आपकी इनवर्ड फील्ड होगी और इस तरफ जो फील्ड होगी वायर की वो हमारी आउटवर्ड फील्ड होगी। ये हमने आपको राइट हैंड पाम रूल से भी बता दिया था, जैसे इस तरह से था तो करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए करंट है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में थंब हो गया और ये हमारा जो है फिंगर्स किधर रही हमारी जो हैं पूरी, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हो गया, तो हमने अगर हिट किया तो जो पाम होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की जाएगी। तो यहाँ पे देखो थंब ये उधर फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ पाम इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड हो गई। ऐसे अगर हमको इस साइड निकालनी है तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ हाथ कैसे कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर हो गई और ये हमारे पास पाम की डायरेक्शन हमारी तरफ आउटवर्ड है,
इस तरफ फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी, और उस आउटवर्ड फील्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इस कंडक्टर के लिए हो और चाहे आपका वो इस कंडक्टर के लिए हो। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हो, तो जो आपका फोर्स वैल्यू है वो एफ एम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी है। अब बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, जैसा कि हमको देखने में लग रहा है कि वो आपका वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे सपोज यहाँ पे वी वेक्टर है, ठीक है, ये वी वेक्टर है हमारे पास और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये वी है ये बी है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा एंगल मान लिया हमने, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि V क्रॉस B, मतलब V से B की तरफ मूव करेंगे, तो V से B की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ये देखो जैसे सपोज ये हमारे पास इस तरह से है और B की डायरेक्शन में हमने ऐसे हाथ रखा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ V में ऐसे ऐसे रखा और B की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कराना है अपने फिंगर्स को, जब फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कराएंगे इस तरह से, ये B हो गया पहले तो B की तरफ मूव करा रहे हैं, थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी इस केस में। अगर हमारे पास यही B यहाँ पे होता, ठीक है, अगर ये मान लिया कि ये B यहाँ होता और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता सपोज, ठीक है, तब क्या होता, हम B से B की तरफ आते, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला B से B की तरफ ही बना हुआ है, तो ये ऑलवेज ये एक्यूरेट ये ऐसे ही रहेगा, इसमें ऐसा मत कर देना डायरेक्शन निकालने के लिए कभी भी, यह मत कर देना कि बी से बी की तरफ लेगा, ऑलवेज वो बी से बी की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बी ऊपर हो गया, तो जब बी हमारे पास ऊपर हो गया तो अब हम हाथ को ऐसे रखेंगे इस तरह से, ठीक है, और थंब को क्या हो गया, थंब चला गया नीचे, ठीक है, और हाथ की जो फिंगर्स हैं बी की तरफ हो गई और इसको मूव करके हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके आएंगे कर्ल करके, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो मतलब अगर हम V हमारा उधर होगा और B इधर होगा तो फोर्स कहाँ जाएगा, हमारे पास नीचे जाएगा, इस तरह से फोर्स यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का थंब रूल से, ठीक है, और जो यहाँ जो बताया था थंब रूल से, और यहाँ जो बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई थी थंब रूल से, यहाँ जो फोर्स बताया मैंने आपको वो आपका फोर्स कैसा होगा स्क्रू रूल से, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग इसको रूल से ही पढ़ते थे वहाँ पे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, तो क्रॉस पता है कि क्या होता है, साइन होता है, और डॉट में क्या होता है, कॉस होता है, तो इसलिए इनको जो ओपन करेंगे तो वी वी साइन थीटा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पे हैं कि इफ़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, अब देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम क्यू की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, देन F इज इक्वल टू जीरो, तो F जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, मतलब कि नो फोर्स ऑन अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर कोई न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है उस, और वो न्यूट्रल पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। इफ V इज इक्वल टू जीरो देन F इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे V की वैल्यू वेलोसिटी जो है ऑफ अ पार्टिकल अगर ज़ीरो कर दें तो F की वैल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये बात भी उनको क्लियर है, अगर V ज़ीरो है तो F भी ज़ीरो, डेट इज़ नो फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, अगर पार्टिकल हमारे पास रेस्ट पोजिशन में है, मूव नहीं करा जैसे यहाँ दिखाया हमने, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो हमको वो चीज़ फॉर्मूले से भी क्लियर हो गई। फिर डिपेंड्स ऑन एंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सब पॉइंट्स पे डिपेंड तो कर ही रहा है कि Q इज इक्वल टू जीरो है, V इज इक्वल टू जीरो है, साथ ही साथ वो एंगल पे भी उतना ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंगल का भी उतना ही डिपेंडेंस है। तो डिपेंडेंस कैसा है एंगल का वो भी हम आगे और इसमें क्लियर करेंगे। सेकंड थिंग आपकी ये है कि F मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V एंड B वेक्टर, तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट होने के रीज़न से इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है।
तो जैसे हम लोगों ने बायो सावर्ट्स लॉ में पढ़ा था कि डीएल क्रॉस आर, तो वो क्या निकलता था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकलता था। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी वो डीएल करंट एलिमेंट के और जहाँ पे फील्ड निकलते थे आर वेक्टर, उन दोनों की परपेंडिकुलर, मतलब कि बी जो है वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर भी था इंडिविजुअली, और बी जो है वो आर वेक्टर जहाँ फील्ड निकालते थे उसके भी परपेंडिकुलर था इंडिविजुअली, और दोनों के परपेंडिकुलर भी था, मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर भी था वो बी। तो सेम केस यहाँ पे भी है, वी वेक्टर के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर है फोर्स और बी वेक्टर के भी इंडिविजुअली है और दोनों के भी परपेंडिकुलर ये रहेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑलवेज न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देखना है हम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास, हमने तीन रूल को बताया है मैंने आपको। पहला तो आपका इसको रूल है जो हर जगह आप बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक्स हर जगह। सेकेंड रूल है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, एंड थर्ड जो रूल है वो हमारे पास राइट हैंड पाम रूल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ट्रिकी रूल है और जल्दी निकलने से है, मतलब इससे हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्क्रू रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यही था कि अगर हमारे पास ये वी वेक्टर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है ऑब्वियसली, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, तो हम लोगों को पता है कि वी क्रॉस वी होता है, ये पता है हम लोगों को कि वी क्रॉस वी होता है। ठीक है, तो वी क्रॉस वी होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि V से B जाना है, बताया था मैंने आपको V से B जाना है, तो V से B जाएंगे तो मतलब हम लोग किधर जा रहे हैं, ये इस तरफ घूमेंगे, V से B जाने में हम लोग इस तरफ घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, जो तो ये जो घूमने जो डायरेक्शन है आपकी कौन सी है, ये एक एंटी क्लॉक वाइज है, तो एंटी क्लॉक वाइज की है। ठीक है, तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास V ऊपर है और B नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग V से B ऐसे घूमेंगे, तो V से आके ये बी आएंगे, बी से बी आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्लॉक वाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनेगी वो किधर बनेगी, ऐसे थंब ऊपर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये फोर्स यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक वाइज है तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे हो जाएगी, ये होता है। तो आप चाहो तो इसको रूल से आप निकाल के दे सकते हो, चाहो तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि अगर वी क्रॉस भी देखें तो वी क्रॉस भी मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो फोर्स ऊपर, और क्लॉक वाइज मूव करेंगे वी से भी तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। तो दिस वॉज योर स्क्रू रूल। सेकेंड थिंग, सेकेंड आपका है यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि इसमें थ्री फिंगर्स को हम लोग करते हैं, पहला आपका जो थंब होता है उसको हम लोग फोर्स से करते हैं, फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायरेक्शन के लिए, और जो आपका मिड फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, उसको हम लोग करंट के डायरेक्शन के लिए मूव करते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है वो भी हम लोग इसी के मिडिल फिंगर से ही पता करते हैं। तो ये तीनों फिंगर्स हैं आपकी, वो क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों फिंगर्स क्या होनी चाहिए आपकी, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये फिंगर्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है आप लोग, तो ये आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो थंब का हो गया आपका ये फोर्स हो गया, और इस फिंगर्स के लिए हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये जो ये मिडिल फिंगर इसके लिए हमारे पास करंट के डायरेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी और डायरेक्शन ऑफ करंट भी। सो ये हमारा फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो क्रॉस बना रखा है फील्ड हमने, ठीक है, तो क्रॉस फील्ड के लिए क्या होता है, क्रॉस फील्ड मतलब होता है वो फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है,
और यहाँ पे हमने कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपका ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो आपका इस तरफ किसी वेलोसिटी से हम बता दिए कि इस वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये फील्ड हमारी इनवर्ड है, मतलब कि जस्ट इन द कॉपी, मतलब नीचे की तरफ है। तो हमें निकालना है कि अगर ये चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे एफ इजिकल टू क्यू वी वी से, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी वो पता करना है हमें, ठीक है। सो अगर मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या कहता है कि इस तरह से आप अपने तीनों फिंगर से करेंगे यहाँ पे, तो जो आपका ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, उसको हम रखेंगे किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन में। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की धारा नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नीचे मतलब ये हो गया, ठीक है, तो ये फिंगर नीचे चली गई, तो ये फिंगर और ये वाली फिंगर आपकी जो है वो वेलोसिटी में हो गई। तो थंब कहाँ जा रहा है ये देखो, थंब जो है जस्ट उस तरफ हमारे सामने जा रहा है उधर से, ठीक है। तो ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इस चार्ज पे, वो इस थंब के शो कर रहा है, और तीनों आपके क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब जो थंब है वो थंब देखो इस फिंगर की भी परपेंडिकुलर है और इस फिंगर की भी परपेंडिकुलर है, तीनों के मतलब सॉरी दोनों के वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स हो गया, जो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, वो इस पर किधर लग रहा है, इस तरफ लगेगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो फील्ड नीचे हो गई, वेलोसिटी इधर हो गया और फोर्स उसको, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना रखी है हमने, मतलब नीचे की तरफ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यू है, उसको हमने इस तरफ मूव कराया है, मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वही अगेन वही चीज़ करना है हम लोगों को कि डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है वो मतलब जो मोशन है वो इधर हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो देखो एक चीज़ और, करंट बोलते हैं या मोशन ऑफ चार्ज बोला मैंने, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होना। अगर हो सकता है कि कई बार यहाँ पे कोई वायर डाल दिया हो, कोई वायर पड़ा हुआ हो, करंट ऐसे मूव कर रही है, तो यह कह सकते हो कि जब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करती है, ठीक है। तो आप इसको करंट के डायरेक्शन में मान सकते हैं, द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन जो भी होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट भी होती है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे है, नीचे है, ठीक है। तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे हो जाएगी तो इस तरह से होगी, इस तरह से करना पड़ेगा, तो थंब हमारा हो जाएगा नीचे, हमारा थंब जो होगा वो नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे थंब हमारा नीचे जा रहा है, मतलब जो फील्ड होगी वो यहाँ पर जो फोर्स होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पर वो इनवर्ट हो जाएगा। फोर्स इनवर्ट फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, फोर्स इनवर्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया है, अब और नेगेटिव चार्ज को हम इधर मूव करते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो फोर्स हमारा ऊपर लगना चाहिए। वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऐसे हो गई, और फोर्स हमारा ये थंब हो गया। बट क्या ये कंडीशन वैलिड होगी यहाँ पे? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि करंट के डायरेक्शन में ये फिंगर होनी चाहिए। तो ये जो फिंगर हमने और यहाँ मोशन ऑफ चार्ज, तो अब यहाँ पे एक वो जाता है कि चार्ज तो उधर ही मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने फिंगर कर दिया। नो, चार्ज इधर मूव कर रहा है लेकिन नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज मूव इधर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के मोशन के जस्ट अपोजिट करंट का मोशन होता है। तो हमें यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है इन दोनों में से, मोशन ऑफ चार्ज और करंट में से, कि किस प्रकार से, तो यहाँ पर करंट को आप प्रेफर करोगे, इसलिए करंट को आप प्रेफर करोगे। अगर आप मोशन ऑफ चार्ज देख रहे हो खाली, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि चार्ज तो है तो दो टाइप के जाएंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो सके, आप करंट करो डिस्को कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर करंट बोला जाता है इसको। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, इस नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट होगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ सॉरी जो करंट की डायरेक्शन की तरह इधर हो जाएगी। जब करंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिंगर थंब हमारा नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी
जो है हम नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उस तरह में जा रही है और करंट हमारे इधर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ गया, नीचे गया है यहाँ पर। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सकते हैं। अब आते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो राइट हैंड पाम रूल इज सबसे इजीएस्ट वे है टू कैलकुलेट द फोर्स। यहाँ हमने क्या ट्रिक लिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिक ये लिया हुआ है कि जो थंब होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो थंब है उसको हमने डायरेक्शन ऑफ करंट दिया, और जो ये फोर फिंगर्स होती हैं, जो ये फोर फिंगर्स हैं हमारे पास, इनको हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और जो डायरेक्शन ऑफ जो ये पाम होगा हमारे पास, ठीक है, उस पाम को हम लोग फोर्स बोलेंगे। जैसे हम लोग मैंने आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया था इन बायो सावर्ट्स लॉ में, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब दिया था, और जिधर फील्ड निकालनी है उधर हमने फिंगर्स कर दी थी सारी, और फिर उसके बाद जो डायरेक्शन हमारा उसका था पाम का था, वही डायरेक्शन हमारा क्या था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का था। बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा उल्टा है, राइट हैंड पाम रूल में इसको करंट दिया है, तो करंट तो वहाँ पे भी यही था, और इधर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और यहाँ पे हमने फोर्स दिया है। सो जैसे यहाँ पे हमारे पास अब जैसे यही कंडीशन थी हमारे पास, यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, अंदर थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यहाँ पे, और वेलोसिटी ऑफ इधर मोशन है, तो इसको भी यहाँ पे भी जो करंट हमने लिखा है ना, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, मोशन ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के मोशन को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, और करंट से भी। तो अगेन वही बात है कि अगर आपको चार्ज पार्टिकल में ना हो तो आप करंट को ही नोटिस करोगे वहाँ पे। यहाँ पे करंट तो नहीं है, खाली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग अपने हैंड को कुछ इस तरह से रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी गई इनवर्ड, ठीक है, और हमने क्या किया कि और वेलोसिटी हमारी गई इस तरफ, ठीक है, तो पाम की डायरेक्शन क्या जा रही है, उस तरफ जा रही है ना, ये हो गया थंब, हो गया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है कॉपी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ऐसे नीचे कर दिया, ये थंब हो गया वेलोसिटी के लिए, तो फोर्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पाम, तो देखो फोर्स हमारा इधर जा रहा है ना, इधर ये भी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और चार्ज का मोशन जो है वही किधर होगा, नेगेटिव चार्ज का, तो और यहाँ पे भी वही मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज दे लिया। अब बात ये आती है यहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो ना हो, जो भी है, कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, अब यहाँ पे बात चार्ज की नहीं है, यहाँ बात हो गई एंगल की, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे हमारे पास किस एंगल पे हैं। यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंगल पे, ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये 180 डिग्री पे, अगर हम मोशन की से बात करें तो यहाँ पे थीटा 180 पे हो गया और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री पे हो गया। तो दोनों ही केस में, चाहे वो थीटा 180 हो चाहे थीटा 0 हो, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है ना, साइन 180 क्या होता है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा इस चार्ज पे। जब चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अगर चार्ज सीधे जैसे जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, निकल ही नहीं पाएगा। आप चाहे ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहे कोई भी रूल लगा लो, चाहे वो पाम रूल लगा के देख लो, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा के देख लो, और चाहे स्क्रू रूल लगा देख लो, कोई भी रूल आपको यहाँ वर्क नहीं करने वाला है। जब कोई रूल नहीं वर्क करे, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए,
और हमने क्या कहा था कि इन दोनों किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए, वो भी 0-180 छोड़ के। अगर 0-180 पे हो गए तो आपका वो जो है उसे कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज एज इट इज़ फील्ड से वैसे बाहर हो जाएगा जैसे आया था, एंटर किया था। तो ये एक था कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हमने वायर लिया हुआ है, इस वायर में 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, वायर हमारा इनफिनाइट वायर है, और हमें इस पॉइंट एक पॉइंट पर कुछ भी नाम ना ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। और तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्योंकि इस करंट वायर करंट ऊपर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड का कर्ल फिंगर कर देते हैं, तो इधर से इस साइड में मतलब यहाँ पे फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड, इधर हो जाएगी इनवर्ड, यहाँ फील्ड इनवर्ड हो गई, यहाँ फील्ड आउटवर्ड हो गई। तो यहाँ पे इस पॉइंट पी से एक चार्ज पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और वो पार्टिकल जो है इस वायर से 2 मीटर डिस्टेंस पे है। तो हमें निकालना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। सो फोर्स निकालने के लिए पता है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वेन इट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 10^-6, तो 1 × 10^-6 कूलम्स हो गए। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड है, पुट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना यहाँ पे निकलेगा, तो हम लोग एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2i/r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक लॉन्ग इन्फिनाइट वायर की वजह से, इन्फिनाइट वायर है इस वजह से हम लोग, वैसे फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट आई साई साइन 5 1 + 5 sin 5 2/r, ये होता था। बट यहाँ पे क्या है कि आपका वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, ठीक है, और साइन 5 1 की जो वैल्यू होगी वो 90 हो जाएगी, साइन 5 2 की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। मैंने आपको क्लियर किया हुआ था वहाँ पे, चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साइन 5 1 सॉरी 91 साइन 91 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2i/r। इसको यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 बाई वैल्यू होती है 10^-7 2, और i करंट कितनी है 2 एम्पीयर पुट कर दिए, r डिस्टेंस कितना है 2 मीटर वो पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी 2 × 10^-7 into साइन थीटा, साइन 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात हो रही है जो एंगल की, वो एंगल हमारा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच की बात हो रही है। तो वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट नीचे है, मतलब वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर है। अगर इसके जस्ट नीचे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नीचे है और वेलोसिटी इधर है, तो 90 भी हो गया ना ये दोनों, तो 90 भी हो गया हमारे पास। तो साइन 90 साइन 91 हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो फोर्स वैल्यू आएगी 2 × 10^-12 न्यूटन्स आ जाएगी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, उस पर जो हमारा फोर्स लगेगा इतने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। अब अगर बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो वो हम निकाल सकते हैं थम जो राइट हैंड पाम रूल से, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, नीचे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे के लिए हमने एक फिंगर स्विच कर दिया और मोशन हमारा पार्टिकल का इधर है, इधर हो गया। तो हमारा पाम किधर हिट करेगा, इधर हिट करेगा लेफ्ट साइड में, ये देखो पाम की हीटिंग इधर है, तो मतलब कि जो इस चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरफ इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज इक्वल टू 2i/(cap)+3j/(k)) और वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास 3i/(cap)-4j/(kap) एंड जो चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम से। तो यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स में हम लोग को पता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस v। तो ये पहले हम लोग v क्रॉस v निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हमने बताया था आपको, एक हम लोग ऐसे बताएं कॉलम बनाएंगे, तो i j k करेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर पहले लिखा हुआ है तो वेलोसिटी वेक्टर को पहले लिखेंगे, 3i/(cap), मतलब i का कंपोनेंट 3 यहाँ लिखेंगे, फिर j का कंपोनेंट -4 है यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे k का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जब जिसका कंपोनेंट नहीं होता है उसको हम 0 लिखते हैं, वो 0 हो जाएगा।
फिर आते हैं, फिर वी लिखा हुआ है, बी के लिए आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट 3, के का कंपोनेंट 1, ठीक 1 हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर सॉल्व, फिर यहाँ पे हम लोग जब आई निकालेंगे तो आई वाले का नीचे इसको यहाँ पे ऑफ कर देंगे, ठीक है, फिर ऑफ़ कर देंगे यहाँ पे, तो आई लिखेंगे, फिर इसको इसके आई के नीचे वाला ऑफ हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड विद 1 -3 मल्टीप्लाइड विद 0, -4 इंटू 1 -4 और 3 0 ज़ा 0 -0। फिर उसके बाद माइनस साइन जे कैप लिखेंगे, माइनस साइन जे कैप। अब हम लोग जे निकालते हैं, जे निकालेंगे तो जे के नीचे वाला ऑफ कर देंगे, मतलब ऑफ मतलब बंद कर देंगे इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बचा इधर, 0 बचा, 2 1 बचा, तो 3 1 ज़ा 3 करेंगे, -2 0 ज़ा 0 करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस साइन 2 0 ज़ा 0 हो गया। फिर प्लस प्लस लिखेंगे, के कैप लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ये वाला ऑफ कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 और -2 4 ज़ा 8, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस माइनस साइन फॉर्मूले का होगा, फिर 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ भी माइनस का, क्योंकि 2 माइनस का 4, 2 माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 आई कैप -3 जे कैप +17 के कैप। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से फोर्स निकल गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, यहाँ पे जो है फोर्स की डायरेक्शन हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये डायरेक्शन में ही, ये डायरेक्शन ही दे रखा है कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स है, और के डायरेक्शन में हमारे पास 17 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस पे यहाँ पे मोर डायरेक्शन से यहाँ पे गिवन है, चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता ही है रूट का, इसका सबका स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे, तो वहाँ से आप टोटल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास है एक क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए, अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 आई कैप +4 जे कैप ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई 10^-2 टेस्ला है, एंड द चार्ज एक्सलरेट्स एट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप +2 जे कैप, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स वैल्यू निकालनी है, ये एक्सलरेशन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, 3i कैप +4j कैप ब्रैकेट क्लोज्ड 10^-2, मतलब मल्टीप्लाई में है ये 10^-2 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि एक्स वैल्यू क्या होगी, सो ये आपको होमवर्क है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।